नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शूद्र लाल प्रताप यादव जी, जिन्होंने शूद्र आंदोलन में बहुत तेजी लाई और लगातार समाज में जाकर इस बदलाव को लाने के लिए काम किया। फिलहाल वो राजनीति में कदम रख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, यदि भी चुन लिए जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे, इन्हीं मुद्दों को लेकर आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, आपको भी। हाँ, आप अभी तक सामाजिक काम करते रहे हैं, शूद्र आंदोलन को लेकर समाज में गए और वहाँ किस तरीके से बदलाव करना है, लोगों में किस तरीके से चेतना और जागृति लानी है, इस मुद्दे को लेकर आपने लगातार लंबे समय तक काम किया है और जो सफल भी रहा है। आपका बहुत बड़ा एक संगठन हो गया है और उसके बहुत सारे फॉलोअर हो गए हैं, लेकिन आप अब राजनीति में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट मिल रही है, तो आप किस तरीके से राजनीति में आकर काम करेंगे? क्या आप समाज सेवा छोड़ देंगे या राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करेंगे? किस तरीके से आपका एक खाका तैयार हुआ है काम करने के लिए, लोगों को बताइए। देखिए, हम सबसे पहले राजनीति में आए और इसके बाद 20 मार्च सन 17 को ही हमें ये बहुत ज़्यादा आघात लगा जब वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर को जानवर के पेशाब से धुला। उस वक्त मैं ब्लॉक प्रमुख था और उस वक्त मैं टीवी देख रहा था, लगातार मैं इस चीज़ देख रहा था कि कैसे एक इतने बड़े समाज को, पूरे देश के 85% हिस्से को कैसे अपमानित किया जा रहा है। एक बार में पूरे देश को बताया जा रहा है कि आप लोगों का स्तर ये नहीं है, ये है। उसी दिन हमने संकल्प लिया था इस मुद्दे को हम पूरे देश प्रदेश में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे। और आपको बता दूं, ये मुद्दा मड़ियाहू से वो उठा, 20 मार्च 2018 से ये अपमान का मुद्दा, जातिगत अपमान का मुद्दा, समाज के अपमान के मुद्दे को हम मड़ियाहू से ही उठाया गया, जिसमें हम आपके BHU की प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी और तमाम लोगों को हमने बुलाया और 20-25 हज़ार की भीड़ में वहाँ से उठाया और यहाँ से मुद्दा उठ करके तब लखनऊ जाके पहुँचा। और तब लोगों को लगने लगा, नहीं यार ये तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। और वहीं से मतलब राजनीति के साथ साथ समाज को भी हमने जगाने का काम किया और राजनीति में रह के हमने समाज के लिए ही काम किया। अच्छा। और लगातार आगे भी काम करते रहेंगे हम। अभी आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप भी महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, एक तो आपकी तैयारी अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रही है, किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं या किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं या क्या आने वाले दिनों में आपका क्या काम होगा लोगों के बीच, ये बताइए। देखिए, मैं लोग तो आज चुनाव में काम कर रहे हैं, मैं 20 मार्च 2018 से ही लग गया था और 2018 से समाज को संगठित करने के लिए लग गया था। समाज को जो टुकड़े टुकड़े में, जातियों में जो हुए हैं, उनको तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। और लोग तो आज महीना दो महीना काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं, आज मैं अगर दलित बस्ती में, चमार बस्ती में जाता हूं तो कहते हैं चमार हैं, मौर्या बस्ती में जाता हूं तो कहते हैं मौर्या है, कुनमी बस्ती में जाते हैं तो कुनमी समझते हैं हमको, मतलब जिन बस्तियों में जाता हूं वो अपना समझते हैं। और ये जाति भेद हमने ख़त्म किया हुआ है और ये पूरे मड़ियाहू में बच्चा बच्चा हर चीज़ समझ रहा है कि शूद्र कौन है। और आज मड़ियाहू में ये लड़ाई जात की लड़ाई नहीं रह गई है, यहाँ वर्ण की लड़ाई है। और वर्ण की लड़ाई है जहाँ तक उच्च वर्ग है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, BJP हो चाहे बसपा, दोनों उच्च वर्ग को टिकट देते हैं। और उसके बनाम उच्च वर्ग के बनाम यहाँ शूद्र की लड़ाई है, 15 बनाम 85 की लड़ाई है। और आज पूरा 85 पूरी तरह से, आपने अभी देखा होगा कि कम से कम एक दर्जन से अधिक चमार बस्तियों में हमारे नाम का पोस्टर लगा के उन्होंने लगा रखा कि इनको टिकट दिया जाए। पूरा दलित समाज तैयार है चमार में, पासी में, मौर्या में, मतलब पूरी तरह से यहाँ हमने जात भेद को ख़त्म कर दिया है। पूरा 85 संगठित हो चुका है और जितनी आसान लड़ाई पूरे जौनपुर में मड़ियाहू की है उतना कहीं और नहीं है। और एक बहुत बड़े अंतर से, मतलब 85 तो हम नहीं कह रहे हैं कह पाएंगे, लेकिन यह 65 से 70% वोट आपको संगठित वोट मिलेगी।
अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो चाहे बीजेपी हो, वो उच्च वर्ग के लोगों को ही टिकट देती, तो क्या सपा इन लोगों को टिकट नहीं देती जो देखिए केवल पिछड़े लोगों को ध्यान में रखती है? देखिए ऐसा तो कहने के लिए चाहे जो कहा जाए, लेकिन 5 साल से जो सरकार रही है केवल उच्च वर्ग का ही ध्यान रखी है, और एक विशेष वर्ग का, खासतौर से क्षत्रिय वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग का, इसके अतिरिक्त इन्होंने किसी का काम नहीं हुआ। और आपने देखा होगा कि 5 सालों में लगातार जितनी कस्टोडियल डेथ हुई, जितनी हत्याएं हुई, अभी एक कल कस्टोडियल डेथ हुई है, जितनी हत्याएं हुई हैं सिर्फ इन्हीं दलित और पिछड़ों की हुई है। किसी एक ठाकुर की हत्या हुई हो तो बता दीजिए, पूरे प्रदेश में किसी एक ठाकुर की हत्या हुई हो तो बता दीजिए। तो ये लगातार उच्च वर्ग की पार्टी है, उच्च वर्ग का काम किया, दलितों पिछड़ों को बहका करके लगातार उनका शोषण किया। अभी आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा नहीं कैसे उनका पूरा का पूरा आरक्षण को ही गायब कर दिया, कहा इनके कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। आप सोचिए इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा वो जात के नाम पे, उसके नाम पे सारी योग्यता को खत्म कर दे रहे हैं। अभी आपने बताया कि एक उसमें डेथ हुई, कस्टोडियल डेथ हुई, और इसके पहले भी बीजेपी ने लगातार ये आरोप लगाया है कि 5 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ, जब इनकी पार्टी सत्ता में थी तो लगातार दंगे हो रहे थे, लेकिन इनकी पार्टी में बहुत इसी शासनकाल में बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुई, बहुत सारी लिंचिंग हुई, तो क्या इसको आप दंगा मान सकते हैं या ये दंगे का एक स्वरूप है, इस पर क्या कहना है? भाई दंगा कौन करता है, कौन कराता है? जब तक दंगा कराने वाला ना हो तब तक दंगा कहीं होता नहीं है। हमारी जनता जो सीधी साधी जनता, जो जो रोजगार के लिए परेशान है, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, जो जो भूखी है, ऑर्डर का भी एक मामला होता है कि भाई जो भूखी है ये कभी दंगा उंगा नहीं करती, इनसे आक्रोश पैदा कराया जाता है, इनको बरगला करके दंगे कराए जाते हैं। आपको एक छोटी सी घटना बता दूं मैं, 1999 में जौनपुर में चिन्मयानंद स्वामी चुनाव लड़ने आए थे, और उनके लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, उसके 6 महीना पहले से एक एक साधु की नृशंस हत्या होना शुरू हो गई, और 6 महीने में 13 साधुओं की नृशंस हत्या हुई, किसी का गला काट करके, किसी का सर पूंछ करके, एकदम बीभत्स घटना की जाती थी, जिससे लोग आक्रोशित हों, हिंदू मुस्लिम हो, और उन्होंने 13 साधुओं की हत्या की और हत्या करके चुनाव जीत के चले गए। आज 22 साल बीत गया, किसी एक साधु की पूरे जनपद में हत्या नहीं हुई है। तो देखिए समाज का एक तबका है जो लगातार समाज को तोड़ रहा है, तोड़ करके राज करता है, और बाकी सब जुटने के लिए परेशान है। तो हम सब समाज को जोड़ने वाले लोग हैं जो लगातार समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, लगातार पूरे समाज को तोड़ रहा है, तोड़ करके लगातार अपना लोगों को सीधे साधे लोगों को बरगलाता है, बरगला के अपना शासन कर रहा है। इधर बीजेपी के पास लगातार गरीबों को राशन, तेल, मसाला दिया जा रहा है, और 6,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो पार्टी है, सपा है, वो उसके पास देने के लिए क्या है, वो जनता को क्या देगी? देखिए 5 किलो राशन से जनता वोट नहीं देने वाली है। क्या कोई यादव को 5 किलो राशन दे रहा है तो बीजेपी को वोट देगा? क्या कोई मुसलमान है 5 किलो राशन 6,000 रुपये पा रहा है तो बीजेपी को वोट देगा? क्या कोई मौर्य, क्या कोई मौर्य है तो देगा इस बात को? नहीं, खुश नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा कहा जाता है, बीजेपी के द्वारा एक प्रशासन तैयार किया जाता है कि नहीं नहीं तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, चूंकि उन्होंने आज तक तो कुछ किया नहीं, आज तक तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं। कहीं कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा रहे हैं, तो कहीं अमेरिका की जो है फैक्ट्री दिखा रहे हैं, तो कहीं आपका चाइना का एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, आज तक उनके पास पेपर में भी छापने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये चुनाव यूपी का चुनाव जातिगत चुनाव होता है, और आपसे कहा ना कि जो जातियों का लगाव समाजवादी पार्टी से हो, 5 किलो राशन है, 50 किलो राशन देंगे तभी वो वोट नहीं देंगे। और आपको बता दें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जितना काम किए थे, जैसे उन्होंने किसी उच्च वर्ग का उन्होंने घर बनवा दिया, लोहिया आवास दे दिया 4 लाख का, क्या उन्होंने वोट दिया? क्या जिन्होंने एम्बुलेंस का 108 एम्बुलेंस का यूज किया, क्या उन्होंने वोट दिया? पिछली सरकार ने जो सब कुछ काम किया, या जो ये कहा जा रहा है 5 किलो राशन पे वोट देंगे, तो ये केवल बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। आज जनता रोजगार मांग रही है, जनता भूखी है, रोजगार मांग रही है, जनता को रोजगार चाहिए, न कि 5 किलो राशन चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। और जो हमारी सरकार ने है तो उनको रोजगार भी दिए, शिक्षा भी दिए, लैपटॉप भी दिए,
उनको उनके लिए जो जो है महिलाओं के लिए जो है वो पेंशन दिया था, और इस बार उन्होंने कहा 3 गुना 18,000 रुपये प्रतिमाह मैं दूंगा गरीब महिलाओं को पेंशन, और फ्री बिजली देने की बात कह रही है। तो निश्चित रूप से जनता बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी महंगाई से मुद्दे को भटकाने के लिए 5 किलो की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए और कुछ बचा नहीं है, और आज जनता को इतना निचोड़ लिए हैं, जनता को उसकी रोजी रोटी छिन गई, उसका सब कुछ छिन गया, इतना निचोड़ लिए हैं कि जनता आज एकदम जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इधर योगी सरकार ने लगातार वृद्धा पेंशन योजना और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके वेतन में वृद्धि, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं और भत्ते बढ़ाए हैं और लागू किए। नहीं नहीं नहीं, अभी कहीं किसी को कुछ मिला नहीं है। अभी कल एक विधवा मिली थी, उसका 6 महीने से कोई पेंशन नहीं आया है। और आपने रसोइयों को आपने देखा, रसोइयां जो 50-1500 रुपये महीने पे काम करते, जो विद्यालयों में खाना बनाते थे, उनका सालों का पेंशन भुगतान बकाया है। आप सोचिए जो 1500 रुपये 2000 रुपये जो महिला आपके यहाँ 4-4, 5-5 घंटे बच्चों का खाना बनाती है, उसका एक साल का बकाया है। तो ये सरकार कहीं कुछ दे नहीं है, सिर्फ आश्वासन, झूठा आश्वासन दे रही है, झूठा प्रलोभन दे रही है, और लोगों को केवल बांट करके इनके पास जो है हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बचा नहीं हुआ है। चुनावी माहौल बहुत गरमाया हुआ, लगातार हर कोई पार्टी बदल रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी है, उस पार्टी से उस पार्टी, तो ये आपको नहीं लगता है कि मुद्दे पर नहीं बल्कि टिकट के लिए ये इधर से उधर भटक रहे हैं लोग, इस पर क्या कहना है? नहीं, राजनीति में कोई मुद्दा सामने नहीं आया। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हमारे मजबूत कैंडिडेट को लड़ाया जाए, जिनका पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड मजबूत रहा हो, हर पार्टी है ये चाहती है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी ने जितना 85 जितना दलितों पिछड़ों जो मजबूत लोग हैं, इसलिए उन्होंने 12 पार्टियों से, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे माननीय कृष्णा पटेल जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों, या ये लोकदल हों, 12 पार्टियों से उन्होंने पूरी 85 की जो संभव हो सकता है सबसे उन्होंने गठबंधन किया, और पूरी तरह से एक 85 की एकजुटता के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ज़मीन पे भी पूरा 85 संगठित हो रहा है, और इस बार जीत हार का बहुत बड़ा अंतर होगा और निश्चित रूप से सरकार बदलेगी। अच्छा, कल की घटना है जो हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो सुल्तानपुर जा रहे थे, वहाँ पर जनता ने उनको रोक दिया, अंदर घुसने नहीं दिया, तो ये कैसा लोकतंत्र है कि एक नेता या मंत्री या विधायक या कोई भी अपने क्षेत्र में भी जाना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है, तो इस पर क्या कहना आपका? ये सुल्तानपुर नहीं, ये उनके क्षेत्र की घटना है, ये अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, जनता हिसाब मांग रही है कि 5 साल आपने क्या वादा किया था, क्या हमको दिया और कितना हमारा शोषण किया, और जब महामारी आई थी तो आपने कहाँ थे? लगातार जनता, अगर उनके पास जो है वो प्रशासन न होता, उनके पास सुरक्षा न होते, तो जनता आज ईंट पत्थरों से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता पूरी तरह से महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, सोचिए 300-350 का सिलेंडर था, 1000 का सिलेंडर मिला है, सोच के देखिए कि एक बार बीजेपी सरकार और आ जाएगी तो क्या होगा, गैस का दाम 2000 होगा कि नहीं, पेट्रोल का दाम 200 होगा कि नहीं होगा, और पूरी तरह से जनता एकदम आक्रोशित है, बस इंतजार कर रही है कि किस दिन बटन दबाने को मिले। तो बीच में पहुंच गए, इसलिए ये कई जगह नहीं, आप पश्चिम में देख लीजिए, कई जगह से विधायक भगाए जा रहे हैं, सांसद भगाए जा रहे हैं, जनता देखना भी नहीं पसंद कर रही है ऐसे नेताओं को, जिन्होंने समाज को तोड़ा है, समाज को तोड़ करके लगातार उनमें खाई पैदा किया है और उनका लगातार शोषण कर रहे हैं। इधर राजनीति में जो पारदर्शिता है, नैतिकता है, या जो राजनीति में एक स्वच्छता होती थी, एक ईमानदारी होती थी, वो बहुत अरसे से दिखाई नहीं दे रही, गायब हो गई, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, या किस तरीके से टिकट पाना है, किस तरीके से राजनीति करना अपने स्वार्थ के लिए, तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद करते हैं कि जो नई पीढ़ी आएगी वो बिल्कुल ईमानदार हो या नैतिक हो, किस तरीके से नई पीढ़ी को आप तैयार कर पाएंगे? देखिए, ये हमेशा से लड़ाई रही है, हमेशा आप प्राचीन काल से लड़ाई चलती आ रही, एक तरफ समाज के तोड़ने वाले लोग होते हैं, एक तरफ समाज को जोड़ने वाले लोग होते हैं, एक समाज को विकास करने वाले लोग होते हैं, एक समाज को तोड़कर उसमें राज करने वाले लोग होते हैं। तोड़ने वाले इधर इधर 5-7 सालों में ज़्यादा सक्रिय हो गए, क्योंकि मीडिया, अनथा न लीजिएगा क्योंकि मैं मीडिया पर वार कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया लगातार ऐसे झूठे लोगों का, बेईमान लोगों का
पूरी तरह से साथ दे रही है और उसी मीडिया के माध्यम से पूरा अपना प्रचार तंत्र फैला करके लगातार जनता को बांट रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए हमारी जनता कितनी सीधी साधी है, कभी सोच देखिए ये जात किसने बनाई, ये हमें जातियों में किसने बांटा, ये अहिर गडरिया कुर्मी कोरी चमार पासी ये सब कौन बनाया, भगवान ने तो बनाया नहीं, यही समाज के लोग हैं लगातार आज हजारों सालों से बांट रहे हैं और आज भी बांटते जा रहे हैं और बांट करके उसको आपस में लड़ाते हैं और लड़ा करके राज कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है पॉजिटिव राजनीति की, तो माननीय अखिलेश जी ने पॉजिटिव राजनीति करके दिखा दिया, उन्होंने 5 सालों में अपने कामों को करके दिखा दिया। आप सोचिए आज तक 5 साल बीत गए, आज तक उसी सरकार का फीता काटा जा रहा है, उन्होंने दिखा दिया कि काम कैसे होता है कैसे किया गया, तो भी नौसुखिया मुख्यमंत्री थे और अब तो पूरी तरह से परिपक्व मुख्यमंत्री हैं। अब तो शायद उनके जोड़ का पूरे देश में कोई नहीं मिलेगा जो काम करेंगे वो। आप सोचिए कि अभी तक फीता काट रहे हैं, अभी तक जो है पिछली सरकारों का जो भी काम हुआ अभी तक नई सरकार के पास कोई काम नहीं हुआ जो अपना फीता काट ले। लेकिन हाल ही में उन्हीं के परिवार की एक सदस्य अपर्णा यादव ने अपने परिवार को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है और कहा जा रहा है कि इससे समाजवादी पार्टी पर बहुत असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं बीजेपी को धन्यवाद दूंगा, वो परिवारवाद परिवारवाद कहती थी, कम से कम माननीय अखिलेश जी के परिवार को माननीय नेता जी के परिवार को बढ़ाने का राजनीति में बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरे को कहती थी परिवारवाद, उन्हीं के परिवारवाद को जो बीजेपी बढ़ा रही है, इसके लिए मैं बीजेपी को धन्यवाद दूंगा। दूसरा इस बार माननीय अखिलेश जी उन्हीं व्यक्तियों को टिकट दे रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों को आगे ला रहे हैं जो समाज में सक्रिय हैं, जिसकी समाज में भागीदारी है और जो समाज के बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो उनके घर का हो चाहे उनके परिवार का हो, उसको भी वो नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी वो टिकट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लड़कियों में लड़ सकती हूँ ऐसा कांग्रेस में एक नारा चला है और लड़कियों को, लड़कियों की भागीदारी को, स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने 40% स्त्रियों को ही टिकट देने का तय किया, तो आपकी पार्टी में इस तरीके का कोई स्टैंड है कि महिलाओं को आगे लाया जाए या स्त्रियों को आगे लाया जाए? हमारी पार्टी में जहाँ जहाँ योग्य महिलाएँ हैं, जहाँ जहाँ ये है कि मजबूत महिला है, लगातार समाज में काम कर रही है, क्षेत्र में काम कर रही है, ये चुनाव जीत सकती है, तो ऐसे लोगों को जरूर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा तय वो नहीं कितनी सी, नहीं देखिए ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इसलिए नहीं है, अभी दलितों, हमारी पार्टी विशेषतर दलितों पिछड़ों पे काम करती है, अभी दलितों पिछड़ों में वो महिलाओं का रुझान या उस तरह से आक्रामकता भी नहीं आई है जिस तरह से राजनीति में होनी चाहिए, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जहाँ भी पार्टी की जो भी महिलाएं सक्रिय हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। नहीं कह सकते कि आक्रामकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप काम का मौका नहीं देंगे तब तक आप उसको कैसे, नहीं देखिए प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता, जहाँ भी जो तेज होता है तो स्वतः उभर के आ जाता, प्रतिभा उभर के आ जाती है, प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता, तो जहाँ जो तेज महिला स्वतः उभर के आ जाती है, तो आप इसमें ये कहा जाए कि किसी को ट्रेंड करना है किसी को करना, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, राजनीति में तो स्वतः लोग आते हैं और स्वतः लड़ते हैं, स्वतः दिखते हैं कि जो है, और निश्चित रूप से पार्टी जो भी सक्रिय हैं, जो भी लग रहा है कि नहीं हाँ पार्टी की मजबूत स्तंभ है, उनको चुनाव लड़ा रही है। आप यहाँ आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आने वाले दिनों में किस तरीके का एक स्वरूप तैयार होगा समाज में राजनीति को लेकर, इस मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई, आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे सहयोग की भी उम्मीद है, धन्यवाद। गांव के लोग चैनल तथा अपर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।